हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर मैट्रिसेस। जैसा कि मैंने इस वीडियो को एक्स रिकॉर्डर डुओ रिकॉर्डर से बनाया था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था उसमें। प्रॉब्लम ये हो रही है, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन करना। वीडियो लॉन्ग बन जाता है, जीबी बढ़ जाती है। आप उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में या आपको कैलकुलेशन करना है, एलेबोरेट करना है, तो वो आपकी बुक पे नहीं हो पाता। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको व्हाइट बोर्ड पर बताया जाए। ब्लैक बोर्ड पर जब तक ऑफलाइन नहीं बढ़िया चल रहा तो उसको बताना मुश्किल होता है। तो अब मैट्रिसेस चल रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है। तो मैट्रिसेस मैंने उसमें बताया था, मैं फिर से बता दूं कि मैट्रिसेस तो वर्ड है। ये चैप्टर न्यू चैप्टर है आपका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका हुआ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन से रिलेशन फंक्शन हुआ है। तो मैट्रिसेस ये जो है वर्ड जो है, ये मैट्रिक्स का प्लूरल नंबर है। वर्ड जो है मैट्रिक्स, ये वर्ड मैट्रिक्स का प्लूरल नंबर है। मैट्रिक्स दैट इज द सिंगुलर नंबर और उसी का प्लूरल है मैट्रिसेस। तो देखिए मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है। मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर एरे देखिए, ये न्यू चैप्टर है आपकी क्लास 12 के लिए। न्यू चैप्टर है, क्लास 11 में कोई इसका इंट्रो नहीं था। तो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर एरे, ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरे, एरे दैट इज द स्टैंड फॉर द अरेंजमेंट। इसका मीन्स होता है दैट इज द अरेंजमेंट एरे, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर ऑफ नंबर्स। नंबर मीन्स दैट आप लिख सकते हो रियल और कॉम्प्लेक्स आर फंक्शन। एक्चुअल में जो मैट्रिक्स होता है वह होता क्या है? अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे दैट इज द अरेंजमेंट, द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है या फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। और वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। बट जो आप क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, यह जो होता है ये केवल रियल नंबर और रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए है। ये ओनली रियल नंबर्स और रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं है। आप केवल क्लास 12 में ये जानेंगे अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर दैट इज द रियल नंबर्स एंड द रियल वैल्यूड फंक्शन। माने जो अरेंजमेंट आप पढ़ेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए पढ़ेंगे और रियल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो आपने सिंपल समझा कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या फंक्शन का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। हमेशा मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए, अब यहाँ पर हम एक नंबर्स लिख रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक अरेंजमेंट हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इसको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया। इस टोटल एलिमेंट का, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स का हमने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया। जैसे दूसरा आप लिख लें बी इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, मान लीजिए 1, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है जो नंबर्स का, उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो एलिमेंट दिख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, इस नंबर्स को हम कहते हैं, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। आर इसको एलिमेंट्स कहते हैं, आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं। क्लियर? तो ये जो ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, यह जो नंबर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गया यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो नंबर्स हैं या हॉरिजॉन्टल जो प्लेसमेंट ऑफ द नंबर है, हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट है इसको हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और ये जो वर्टिकल प्लेसमेंट है नंबर का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। क्लियर? तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स हो गया, वो हो गया रो।
और जो वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द नंबर हो गया उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक रो, दो रो, तीन रो, थ्री रो हो गए और इसके कॉलम भी कितने हो गए, तीन हो गए। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर दो रो है, एक दो, और कॉलम कितने, एक दो तीन, तीन कॉलम है, क्लियर। तो ये हो गया आपका कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं और जो नंबर हैं, इस नंबर को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द एलिमेंट कहते हैं, और एंट्रीज, एंट्रीज कहते हैं या नंबर्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द नंबर होता है उसे हम रो कहते हैं, और जो जो वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम समझें, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपली नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम को n से, इसको हम रीड करते हैं m बाई n, क्लियर हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज अ मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज इंटू द नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सिंपली हम रोज को रिप्रेजेंट करते किससे, m से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो ये हो गया m बाई n। अगर हमें ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर को हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ये कितने रोज हैं, इसमें तीन रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, थ्री है, तो ये हो गया 3x3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3x3। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं। तो और अगर देखें यहाँ पर देख लें, तो ये इसमें रोज कितनी हो गई, दो हो गई, और कॉलम कितने हो गए, थ्री, तो ये हो गया 2x3 मैट्रिक्स। पहले हम नंबर ऑफ रोज फिर इंटू नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे, तो इसको रीड करेंगे 2x3 और दैट इज द 3x3। इज इट क्लियर। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गई। अब हम अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो, इरेज कर देने ऊपर, अगला जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ले लीजिए एक ए ए ए ए ए ए ए ए ए ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए मैट्रिक्स है ए इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये क्या है, दैट इज रोज, ये भी रोज है, ये भी रोज है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये वन रोज वन कॉलम, वन रोज टू कॉलम, वन रोज थ्री कॉलम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हो गया ये कौन सी रोज है, टू रोज वन कॉलम, टू रोज टू कॉलम, टू रोज थ्री कॉलम, यहाँ पर फिर थ्री रोज वन कॉलम, थ्री रोज टू कॉलम, थ्री रोज थ्री कॉलम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर हमें एलिमेंट का करना हो मैट्रिक्स में, जैसे हमने कोई एलिमेंट ले लिया है, कोई मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 7 7 9 8 4 5 3, सपोज दैट एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, तो एड्रेसिंग कर रहा है ये एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फर्स्ट ए है, तो वन रोज वन कॉलम, वन रोज टू कॉलम, वन रोज थ्री कॉलम, टू रोज वन कॉलम, टू रोज टू कॉलम, टू रोज थ्री कॉलम, थ्री रोज वन कॉलम, थ्री रोज टू कॉलम, थ्री रोज थ्री कॉलम। तो ये थ्री रोज है, ये टू रोज है, ये वन रोज है, ये वन, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है। तो कॉलम में हम लिख रहे हैं वन रोज वन कॉलम, टू रोज वन कॉलम, ये वन कॉलम में आ रहे हैं, ठीक है, ये वन कॉलम हो गया, ये टू कॉलम, ये थ्री कॉलम हो गया, वन रोज हो गया, टू रोज हो गया, थ्री रोज हो गया। अगर हमें एड्रेसिंग करना हो, जैसे बोले a12 माने वन रोज टू कॉलम्स का एलिमेंट बताइए, तो कौन हो जाएगा, टू, अगर इससे एड्रेसिंग करनी हो, टू। अगर हमें पूछे थ्री रोज थ्री कॉलम का एलिमेंट बताइए, तो क्या हो गया, थ्री, ठीक है। ये एड्रेसिंग करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स को। इज इट क्लियर, समझा। अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन करें नंबर्स का, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन
आप मैट्रिक्स, अगर हम मैट्रिक्स का जनरल प्रेजेंटेशन करें, मान लीजिए कोई आपका जनरल प्रेजेंटेशन हम करेंगे m बाई n का, तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया m रोज, m रोज वन कॉलम, am रोज वन कॉलम, m रोज वन कॉलम, am रोज टू कॉलम, ठीक है, am रोज थ्री कॉलम, am रोज फोर कॉलम, ठीक है, फिर ऐसे से चला गया ये लास्ट तक चला गया।